लानत है ऐसे सरकार पे जो अपने राज्य के बेटा को तमिलनाडु में बैठा रखा है। उसे शर्म आना चाहिए कि अपने राज्य के बेटा को तमिलनाडु में बैठा रखा है। उसे डर है इस बात का कि अगर आज इस बिहार का बेटा वापस आता है तो कहीं जो हमको चेतावनी दे के गया है वो सत्य पूरा ना हो जाए। मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ बिहार सरकार से कि आप एक बिहार के बेटा पे तो FIR कर दिए, NSA लगा दिए, लेकिन तमाम प्रिंट मीडिया पे क्यों नहीं लगाए जो पहले ये मुद्दा को छापा था? क्यों आपकी हैसियत नहीं थी उनके तमाम काले कारनामों को उजागर करने का काम सच तक न्यूज के पत्रकार मनीष कश्यप कर रहा था, और उनको डर था कि अगर अब ये कुछ दिन बाहर रह जाएगा तो शायद हमारी सरकार अभी गिर जाएगी। आएगा और वही एनर्जी के साथ आएगा, और जब वो आएगा और उससे पहले आपकी कुर्सी जो है सो बिहार में डगमग डगमग दिख रही है। कहीं हमको तो लग रहा है कि मनीष कश्यप का हाय तो नहीं लग गया बिहार सरकार को। जो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है, और बड़े बड़े नेता भी मनीष कश्यप के सपोर्ट में खड़ा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है मनीष कश्यप बिहार वापस आ पाएंगे? बिल्कुल, बिहार का बेटा है, बिहार का शेर है, तो कहाँ जाएगा, वापस तो आना ही है उसको। लेकिन दुर्भाग्य कहूँ तो इस बिहार का, और शर्म करूँ तो इस बिहार सरकार के ऊपर कि उसको शर्म आना चाहिए, लानत है ऐसे सरकार पे जो अपने राज्य के बेटा को तमिलनाडु में बैठा रखा है। उसे शर्म आना चाहिए कि अपने राज्य के बेटा को तमिलनाडु में बैठा रखा है। उसे डर है इस बात का कि अगर आज इस बिहार का बेटा वापस आता है तो कहीं जो हमको चेतावनी दे के गया है वो सत्य पूरा ना हो जाए। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि घबराइए नहीं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, वो आएगा और वही एनर्जी के साथ आएगा। और जब वो आएगा और उससे पहले आपकी कुर्सी जो है सो बिहार में डगमग डगमग दिख रही है। कहीं हमको तो लग रहा है कि मनीष कश्यप का हाय तो नहीं लग गया बिहार सरकार को। हाँ, और उनकी माँ की आंसू, बिहार की तमाम नारी शक्ति की आंसू का हाय लग रहा है सरकार को, और हमें लग रहा है कि बहुत जल्द वो समय भी आएगा कि सरकार परिवर्तन भी होगी। अच्छा, लगता है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन वापस फिर से होने वाला है? नीतीश जी पे कौन भरोसा हे, उनको अपना फायदा नहीं मिलेगा कभी भी, किधर भी डोल सकते हैं, उनको कोई ठीक नहीं है। वो डोलेंगे? अरे भाई क्यों नहीं, वो बिल्कुल, वो कभी जो बोलेंगे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, अब बीजेपी में नहीं जाऊंगा, वो बीजेपी में भी जाते हैं तो उन पे कौन सा भरोसा कर सकते हैं? तो भरोसा के लायक वो है ही नहीं, और हम भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। एक बात बताइए, जैसा कि आपने बोला कि मनीष कश्यप ने जो चैलेंज दिया है तो सरकार को डर है, कहाँ मनीष कश्यप, कहाँ सरकार, कोई मेल मिलाप नहीं है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि एक स्वतंत्र पत्रकार मनीष कश्यप को ही देख करके आज जितने भी पत्रकार आगे बढ़े हैं कहीं ना कहीं उनसे भी बहुत लोग सीखे हैं। और सत्य को दिखाना हमेशा से वो तत्पर रहे, चाहे कोई भी चीज़ हो, हमेशा मनीष कश्यप ने दिखाया। वो ये नहीं कहा कि मैं सरकार गिराऊंगा, उन्होंने ये कहा कि इतने दिनों में आपकी सरकार चली जाएगी, इसलिए बोला क्योंकि उनके तमाम काले कारनामों को उजागर करने का काम सच तक न्यूज के पत्रकार मनीष कश्यप कर रहा था, और उनको डर था कि अगर अब ये कुछ दिन बाहर रह जाएगा तो शायद हमारी सरकार अभी गिर जाएगी। क्यों? मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ बिहार सरकार से कि आप एक बिहार के बेटा पे तो FIR कर दिए, NSA लगा दिए, लेकिन तमाम प्रिंट मीडिया पे क्यों नहीं लगाए जो पहले ये मुद्दा को छापा था? क्यों आपकी हैसियत नहीं थी? क्योंकि आपको डर था कि अगर मैं किसी प्रिंट मीडिया पे जाकर के FIR करता हूँ तो कहीं हमारे कल से अखबार में निगेटिव ना आने लगे, इसके डर से आपने उस चीज़ों को इग्नोर किया और मनीष कश्यप को मोहरा बनाया। अच्छा ये बताइए, मजदूर मार नहीं खाता है, आलू की तरह परवल की तरह सप्लाई होकर ट्रेन में नहीं जाता है, कहाँ मार नहीं खाता, पंजाब में मार नहीं खाता है? मार तो खाता ही है, लेकिन इन लोगों को किस बात का डर है मुझे नहीं पता। बिहार को मजदूर जोन बना के रख दिए हैं, मजदूर को सप्लाई करने का काम करते हैं, उनको शर्म आना चाहिए कि बिहार का बेटा तमिलनाडु जेल में बंद है। अच्छा, बहुत लोगों का ये भी कहना है कि अब मनीष कश्यप आएगा तो पहले के जैसे अब रिपोर्टिंग नहीं करेगा, पहले के जैसे सरकार से नहीं उलझेगा। अरे अरे, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। मैं तो एक वीडियो भी साझा की थी
जिसमें मैं स्पष्ट कही थी कि अब जो मनीष कश्यप आएगा तो ये मनीष कश्यप रिटर्न टू होगा और देखने का होगा, क्योंकि अब जो आएंगे उसको दुगुना एनर्जी के साथ आएंगे वो और लड़ेंगे और आंख से आंख भिड़ा के लड़ेंगे, हमको भरोसा। लाडू में तो रख के उनकी एनर्जी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए भगत सिंह को भी तो जेल में रखा गया था, लेकिन क्या उनकी एनर्जी कम हुई? नहीं हो सकती है कम, क्योंकि वो बिहार का बेटा है और बिहार का बेटा टूटता नहीं और लड़ता है, और इस देश का शेर एकमात्र मनीष कश्यप है जिसको तोड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। क्या लगता है कब तक बिहार लौटेंगे, कोई उम्मीद है? मैं तो चाहती हूँ कि कल जो है सो आज आ जाए। मैं तो हमेशा भगवान से प्रे करती हूँ कि हमारे समाज को, हमारे देश को ऐसे पत्रकार की ज़रूरत है जो गरीबों की, जो छात्रों की, जो नौजवानों की, युवाओं की बात करे, ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमारे समाज को। तो मैं तो चाहूँगी जो कल आए सो आज आ जाए, लेकिन वो दिन दूर नहीं है, इलेक्शन से पहले आ जाएंगे।